दोस्तों जी टीवी का नया शो इस मोड़ से जाते हैं वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चाओं में है, जो न सिर्फ एक इंटरेस्टिंग कहानी बल्कि काफी अच्छे मैसेज के साथ भी पर्दे पर प्रसारित होने को तैयार है, जिसके प्रोमो में मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आ रही हैं अभिनेत्री अक्षिता मुद्गल, जो शो में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से किरदार में बिल्कुल फिट बैठ रही हैं और इसीलिए दर्शक भी इनकी खूब तारीफें कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं शो में मुख्य भूमिका निभा रही अभिनेत्री अक्षिता मुद्गल इस किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद नहीं है, बल्कि इनसे पहले भी टीवी इंडस्ट्री के चार अभिनेत्रियों को इस रोल के लिए परफेक्ट समझते हुए अप्रोच किया गया था। पर अफसोस, किसी न किसी वजह से मेकर्स को उन चार अभिनेत्रियों को रिजेक्ट करना पड़ा है, जिसके चलते ये किरदार अक्षिता मुद्गल के हाथ लगा। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं चार अभिनेत्रियों से रूबरू कराएंगे, जो इस शो के लिए अक्षिता मुद्गल से पहले रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो चलिए एक एक कर रूबरू होते हैं उन्हीं अभिनेत्रियों से। नंबर वन, कांची सिंह। इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर शुमार है अभिनेत्री कांची सिंह, जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है और कुर्बान हुआ जैसे टीवी शो से काफी पॉपुलर हो चुकी हैं। पर बात करें कि आखिर इन्हें इस शो से रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, तो आपको बता दें, यूं तो मेकर्स और कांची सिंह दोनों ही शो के लिए रेडी हो गए थे, पर जब कांची सिंह का इस रोल में स्क्रीन टेस्ट लिया गया तो वो उसे पास नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इन्हें शो से रिजेक्ट करना पड़ा। नंबर टू, नियति फतनानी। अक्षिता मुद्गल से पहले जिन अभिनेत्रियों को रिजेक्ट किया जा चुका है, उसमें एक नाम अभिनेत्री नियति फतनानी का भी शामिल है। और बात करें कि आखिर नियति फतनानी को इस शो से क्यों रिजेक्ट कर दिया गया, तो बता दें, दरअसल नियति फतनानी को शो से रिजेक्ट करने की वजह ये है कि इससे पहले ही नियति फतनानी किसी दूसरे शो को साइन कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेकर्स को लगा कि वो शो को टाइम नहीं दे पाएंगी और इसी वजह से इनके शो को काफी नुकसान हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने इन्हें बाहर का रास्ता दिखाते हुए दूसरी अभिनेत्री को शो में लेने का फैसला कर लिया। नंबर थ्री, महिमा मकवाना। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर शामिल होने वाली अभिनेत्री हैं महिमा मकवाना, जो कि सालों से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। वहीं वर्तमान में ये सलमान खान की फिल्म अंतिम को लेकर भी काफी चर्चाओं में हैं, जिसकी वजह से महिमा मकवाना इतने ज्यादा तेवर दिखा रही हैं कि जब उन्हें ये शो ऑफर किया गया तो उन्होंने शो को करने के लिए हाँ तो कह दिया, पर उसके साथ ही न जाने कितनी ही कंडीशंस और शर्तें रख दी, जिसकी वजह से मेकर्स को इनका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसी वजह से इन्हें शो से रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर फोर, हेली शाह। सौरागनी और इश्क में मरजावा जैसे टीवी सीरियल से दर्शकों की चहेती बनने वाली हैं हेली शाह भी हमारी इस लिस्ट में शुमार हैं। और बात करें कि आखिर इन्हें शो से रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, तो बता दें, इनके रिजेक्शन के पीछे की वजह इनकी फीस डिमांड है। जी हाँ, पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ ही हेली शाह ने अपनी फीस भी अब इतनी ज्यादा बढ़ा ली है कि मेकर्स इसके लिए राजी ही नहीं हुए और इसीलिए उन्होंने इन्हें भी रिजेक्ट करते हुए दूसरी अभिनेत्री को शो में लेने का फैसला ले लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अक्षिता मुद्गल ही इस रोल के लिए बेस्ट हैं या मेकर्स को इन सभी अभिनेत्रियों में से किसी को सेलेक्ट कर लेना चाहिए था? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।